सभा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आज देवउठनी एकादशी है। आज के दिन की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। आज के दिन पूजा पाठ किया हुआ हमारा बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। साथ ही आज तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। वहीं ऐसे में कई लोगों को आज के विधि विधान के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती, इसलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पंडित अजय वशिष्ठ जी से, जो कि आपको पूरी विधि विधान बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आज के दिन की जो महत्वता है वो क्या है, आज के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो भी हम करेंगे पूजा वगैरह जो भी वो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत जी। आत्मा चैनल जो हमारे पंजाब का लुधियाना का बड़ा ही धार्मिक चैनल है, जो हमेशा ही हमारे लुधियाना शहर के अंदर जितनी भी धार्मिक गतिविधियां किसी धर्म से भी रिलेटेड हों तो आप लोग उसकी कवरेज करते हो, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है। आत्मा चैनल वालों को जय श्री राम। आज देवउठनी एकादशी है। कहते हैं आज के दिन भगवान विष्णु अपने शैया से उठते हैं और आज के दिन से जो विवाह के कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा ना, हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि भगवान 6 महीने विश्राम करते हैं, 6 महीने जागते हैं, तो आज देवउठनी एकादशी है। जब जब देवताओं पर भीड़ पड़ी है तब तब भगवान ने उन देवताओं के कार्य को सिद्ध किया है। तो जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो देवता सब मिलकर भगवान के पास गए, भगवान की पूजा की, मंत्रोच्चारण किया, तो जब भगवान प्रसन्न होकर जागे तो वो दिन था कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि आज आपने मुझे जगाया है, तो आज का दिन शास्त्रों में ये बहुत मान्यता पूर्वक होगा। तो आज का दिन अनादि काल से ये एक हमारे हिंदू धर्म के अंदर इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आज भगवान विष्णु जागे हैं और जागने के बाद आज तुलसी शालिग्राम जी का आज विवाह का भी हमारे ग्रंथों में बड़ी भारी एक पूजा कही जाती है। आज के दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुलसी विवाह आज के दिन किया जाता है, तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? ऐसा है कि जब बोलो विष्णु भगवान की जय, तो आज के दिन भगवान विष्णु और तुलसी शालिग्राम जी के विवाह की बहुत बड़ी महानता है कि जो भी आज के दिन भगवान विष्णु की और माँ तुलसी की विवाह को देखता है करता है, तो हम तो अनादिकाल से कह रहे हैं कि कन्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं है। जिसकी कोई अपनी कन्या ना हो आज के दिन तुलसी का दान कर सकता है। जो आज के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करवाता है, देखता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आज के दिन आज हमारे शास्त्रों में अभी प्रातःकाल हम लोग जब एकादशी महात्म की कथा कर रहे थे, भगवान आज स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि सारी धरती का भी अगर दान किया जाए, गौ दान दिए जाएं, भूमि दान दिए जाएं, तब भी इतना फल नहीं मिलता आज के दिन जितना एकादशी के दिन व्रत रखने से फल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है। आज के दिन, आज का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। वैसे तो कार्तिक मास में हमारे यहाँ विवाह शादियाँ नहीं होती हैं, लेकिन आज के दिन अगर कोई विवाह शादी पूजा पाठ हवन यज्ञ गृह प्रवेश किया जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। आज जैसे एकादशी है तो कहते हैं कि एकादशी में चावल नहीं बनाने चाहिए, वहीं कहते हैं कि अगर भगवान को हम आज के दिन खीर का भी भोग लगाए तो अच्छा होता है, तो खीर में भी तो चावल का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि हम चावल का इस्तेमाल करें, और कई प्रकार से व्रत वाले स्वांग के चावल आते हैं, उसकी खीर बना के उसके भगवान को भोग लगा सकते हैं, तुलसी का भोग लगा सकते हैं भगवान को। क्या कुछ प्रॉपर विधि विधान है, क्योंकि लोग आजकल ऐसी नॉर्मली पूजा पाठ कर लेते हैं पर उनको प्रॉपर विधि विधान नहीं पता होता है, कई बार वो कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का ही सार, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। बाकी हमारे शास्त्रों में विधियाँ कही गई हैं कि प्रातःकाल स्नान ध्यान करके आज के दिन उठें, कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है, हाँ जी, तो आज के दिन प्रातःकाल निराहार रहकर भी, आज की विधि है कि निराहार रहकर भी आप लोग आज भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसी ये विधि है कि प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, भगवान को धूप दीप नैवेद पंचाभिषेक भगवान का करवाएं। बाकी आपके मन में अगर श्रद्धा है तो कोई मंत्रों में भी अगर त्रुटि रह जाए कोई बात नहीं, भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मंत्रों में त्रुटि रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन तेरी भावना में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
तन्ना जाट, हमारे शास्त्रों में धन्ना जाट हुआ है, आपने नाम सुना है तन्ने जाट का, उसको कौन से मंत्र उच्चारण आते थे लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न हो गए। मीरा को कौन सी भक्ति आती थी लेकिन मीरा भगवान के प्रेम की दीवानी थी तो भगवान प्रसन्न हो गए। अजामिल, गीद, गणिका, ना जाने भगवान ने किन किन पतितों का उद्धार कर दिया है। तो भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं। जो पूजा हम करते हैं, जैसे आपने बोला कि शादी करते हैं आज तुलसी माता के शालिग्राम भगवान के साथ में, तो ये समय क्या होगा प्रॉपर? जैसे मुहूर्त भी होते हैं तो इसका क्या कुछ मुहूर्त है आज के दिन? वैसे तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब भी आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो वही शुभ मुहूर्त है, लेकिन हमारे यहाँ कन्यादान की एक विधि है कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो स्थिर लगन के अंदर किया जाता है। तो आज का तकरीबन शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का बहुत शुभ टाइम है। उस टाइम में आज मंदिरों में तुलसी शालिग्राम जी का विवाह हो गया, लोग अपने हाथों से तुलसी का दान करेंगे, शालिग्राम जी का विवाह करेंगे और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो भी आज भगवान तुलसी शालिग्राम जी का, आज से 5 एकादशियाँ प्रारंभ हो रही हैं जिसको विषम पंचक भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान विषम पितामह जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान दिया था। ये 5 दिन जिन्होंने सारा कार्तिक महीने का स्नान नहीं किया वो आज के 5 दिनों में भगवान की पूजा कर लेते हैं, उनको पूरे महीने का फल मिलता है। आज के दिन ऐसा क्या ना करें जिससे कहीं ना कहीं भगवान हमसे रुष्ट हो जाए, ये भी एक प्रश्न होता है लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, आज के दिन देखो, मैं तो सुबह जब प्रातः कथा कर रहा था मैं कि आज के दिन 5 चीज़ों का त्याग करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके भगवान को, क्योंकि भगवान को छल कपट नहीं भाता है। भगवान कहते हैं कि बिना छल कपट के उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मैं उसे पा गया, नुकताची शंकावादी को मैं ना मिला। किसी का दिल ना दुखाएं आज के दिन, हाँ जी, किसी को पीड़ा ना दें, हाँ जी, आज के दिन निश्छल निष्कपट होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करके आज बड़े पवित्र मन से भगवान की भक्ति करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। द्वादाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज इस मंत्र का जाप करें तो भगवान की कृपा जरूर हम पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा और हम अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और उनको भी पता चल गया होगा कि आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार हमारा जो भाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और हम अगर अपने भाव भक्ति से भगवान की, ईश्वर की पूजा अर्चना करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। ऐसी अपडेट्स देखने के लिए आप लगातार आत्मा चैनल देखते रहिए, हम लगातार आपके लिए ऐसे अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी।